Hello and welcome to my channel Shining Stars, always with you. Today we'll see chapter number 5 part 2 of history class 12th. Yakeen maniye ye part number 1 se zyada interesting hone wala hai. So we are going to see this part. Okay, so sabse pehle aata hai overcoming barriers to understanding. Travelers jinke hum yahan baat kar rahe hain wo इंडिजीनियस नहीं थे, वो बाहर से आए थे, तो उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. अलबरूनी उनमें से एक थे. अलबरूनी को यहाँ पर जो तीन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो हम देख रहे हैं. सबसे पहला मुश्किल थी संस्कृत. संस्कृत अरेबिक और पर्शियन से इतनी डिफरेंट थी कि जो भी आइडियाज़ कंसेप्ट होते थे वो ईजीली ट्रांसलेट नहीं हो पाते थे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. दूसरी बात थी रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का डिफरेंस होना. तीसरी बात थी कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी और सेल्फ अब्जॉर्प्शन होना लोकल पॉपुलेशन की, यानी कि लोकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी घुलती मिलती नहीं थी, थोड़ा रखती थी, उतना इंटरेक्ट नहीं करती थी, तो वो उनके लिए थर्ड बैरियर था. नाउ इज अलबरूनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम. अलबरूनी के परस्पेक्टिव से कास्ट सिस्टम क्या था. अलबरूनी के अकॉर्डिंग जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कास्ट सिस्टम या फिर होता था, पर्शिया में भी था. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पर्शिया का कि सबसे पहले आते थे नाइट्स और प्रिंसेस, दूसरी बार आते थे मोंक्स, फायर प्रीस्ट, लॉयर्स, देन फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, एंड फाइनली द पीजेंट्स एंड द आर्टिशियंस. इंडिया के ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में थी, लेकिन अलबरूनी को कास्ट सिस्टम जो इंडिया में था उस क्या चीज़ एक सही नहीं लगी, दैट वॉज द नोशन ऑफ पल्यूशन. जो पल्यूशन का नोशन था अलबरूनी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी चीज़, एवरीथिंग, जो भी इम्प्योरिटी में इम्प्योर हो जाती है वो मतलब कुछ ना कुछ करके अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो प्योरिटी की है वो रीगेन कर लेती है. एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे कि जो सूरज होता है वो एयर को क्लीन करता है, जो सॉल्ट होता है वो सी का जो वाटर होता है उसको प्रिवेंट करता है कि वो पल्यूटेड ना हो जाए. तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर सन और सॉल्ट ये वाला काम नहीं करते, तो अर्थ की जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होती. तो जो पल्यूशन है कास्ट सिस्टम में वो लॉज ऑफ नेचर के बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग है, और ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इज द इबन बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर. इबन बतूता के अकाउंट्स में एक मेन चीज ये नोट करने वाली है कि जो भी उन्हें ऐसा लगता था, जो भी उनके ऑडियंस के लिए अनफेमिलियर होता था, वो नहीं जानते थे, तो इबन बतूता उसको पर्टिकुलरली हाईलाइट करते थे ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे, वो जानते रहें जो दूर वर्ल्ड हैं, जो दूर बहुत हैं. तो इसीलिए इबन बतूता उसको हाईलाइट करते थे जो कि अनफेमिलियर हो, जैसा कि उन्होंने इंडिया के केस में कोकोनट और पान के साथ किया, जो कि उनकी ऑडियंस के लिए अनफेमिलियर थे. नाउ इज द इबन बतूता एंड द इंडियन सिटीज. इबन बतूता इंडियन सिटीज को एक ऐसी सिटीज़ बांधते थे जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है, रिसोर्सेज है. सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस हैं, स्ट्रीट्स क्राउडेड हैं, और कलरफुल और ब्राइट मार्केट्स हैं. देन उन्होंने कहा कि बाजार सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज़ नहीं होते थे, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हब थे. जैसे कि मोस्ट ऑफ द बाजार्स में मोस्क या टेम्पल होता था, पब्लिक परफॉर्मेंसेस होती थी डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स की. और इबन बतूता ने जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको भी बहुत प्रोडक्टिव माना, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, तो फार्मर दो क्रॉप्स एक साल में बड़ी आराम से उगा सकते थे और हैं. और इसके अलावा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है ट्रेड और कॉमर्स के नेटवर्क से. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बड़ी ग्रेट डिमांड में हैं वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, काफ़ी प्रॉफिट उनको होता है. तो
उन्होंने ये सब डिस्क्रिप्शन इंडियन सोसाइटी इंडियन इसके सॉरी ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया. देन इज द यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. इबन बतूता ने बताया कि मर्चेंट्स को एनकरेज करने के लिए स्टेट ने कुछ स्पेशल मेजर्स लिए थे, जैसे कि जो भी रूट्स हैं उनमें इंस और गेस्ट हाउसेस अच्छी तरह से बने हुए थे और पोस्टल सिस्टम से काफ़ी अमेज्ड थे इबन बतूता. ये पोस्टल सिस्टम इतने फास्ट थे कि ईजीली इंफॉर्मेशन सेंड हो सकती थी और साथ में कुछ गुड्स जो कि कम टाइम में चाहिए वो भी आराम से ट्रांसफ़र हो सकते थे, डिस्पाइट कि उस वक्त का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो उतना फास्ट नहीं था. उसके बावजूद जो पोस्टल सिस्टम था वो इतना फास्ट था कि जो गुड कम टाइम में चाहिए वो भी ट्रांसफ़र हो जाते थे. नाउ इज़ द बर्नियर एंड द डेनिजरेट ईस्ट. बर्नियर के बड़े ही नेगेटिव व्यू थे इंडिया के बारे में. उन्होंने अपनी जो बुक लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें इंडिया के बारे में बहुत भला बुरा कहा कि इंडिया जैसा मॉडल अपनाओगे तो नुकसान ही होगा. कई सारे उन्होंने वो जो है इंडिया की खामियां बताई, जिसमें पहली खामी थी क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप. बर्नियर के अकॉर्डिंग मुगल इंडिया में जो और यूरोप में जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि मुगल इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं. सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन ओन करता था? वो मुगल अंपायर, और अपने जो उसके नोबल्स होते थे उसमें वो बांट देता था, जो जिसके कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स बड़े ही खराब कॉन्सिक्वेंसेस होते थे इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम वो ये कहता था कि जो जो ये क्राउन ओनरशिप होती है, जो कि रूलर के पास सारी लैंड होती है, इससे होता क्या है, लैंड होल्डर्स को ये बात पता होती है कि वो अपने बच्चों को तो ये लैंड पास कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर कोई वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना ही प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं, बस जो है जैसा है चलने देते हैं, कभी भी लैंड को इम्प्रूव नहीं करते वो किसी तरह भी प्रोडक्शन को बढ़ाने की या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की नहीं सोचते. और इससे एक और चीज़ क्या होती है, एक तो एग्रीकल्चर जो है वो मतलब रूइन होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है. पीजेंट्री बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उनके पास लैंड होती नहीं है, सारी लैंड एम्परर के पास होती है तो बहुत ज़्यादा ओप्रेशन होता है, और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है सभी का, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का, सिर्फ किसको छोड़कर, रूलिंग एरिस्टोक्रेसी को छोड़कर, एम्पायर और एम्परर और उसके नोबल्स को छोड़कर. देन बर्नियर ने मुगल एम्पायर को एक ऐसा एम्पायर देखा जिसका कि किंग जो है वो एक भिखारियों का किंग है, उसकी प्रजा एकदम भिखारी है, और वो मुगल एम्परर जो है वो उनका किंग है. इनकी सिटीज़ और टाउन्स जो हैं इनमें इल एयर है, फील्ड्स में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और मतलब एक बहुत ही नेगेटिव इमेज दिखाई. मज़े की बात यह है कि मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि स्टेट ही अकेली ऑनर है लैंड की. अबुल फजल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये तो जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता है वो एक्चुअली रेन्यूमरेशन है सोवर्निटी का. ये जो पैसा है ये इस वजह से लिया जाता है ताकि उसके बदले में एम्परर अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में ये पैसा आता है, ना कि इस वजह से कि वो उसको लैंड को ओन कर रहा है और उसका वो रेंट ले रहा है. यूरोपियन ट्रेवलर्स को हो सकता है ऐसा लगा हो कि लैंड रेवेन्यू जो है वो मतलब लैंड रेवेन्यू नहीं होकर के वो रेंट है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की डिमांड्स ऑफन ज़्यादा होती थी. बर्नियर के जो डिस्क्रिप्शन है इन्होंने वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स को भी इन्फ्लुएंस किया. मोंटेस्क एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक आइडिया दिया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का, जिसके अकॉर्डिंग एशिया के जो रूलर्स हैं उनकी अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है सब्जेक्ट्स पर, वो जो अपनी प्रजा है उसको दबा कर रखते हैं, पुअर रखते हैं,
और सारी लैंड किंग के पास होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। इस व्यू के अकॉर्डिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बड़ी मुश्किल से जी पाते थे एक्सेप्ट एम्परर एंड इट्स नोबल। देन कार्ल मार्क्स ने इस कंसेप्ट को उठाया, उन्होंने कहा इंडिया कॉलोनियलिज्म से पहले क्या होता था कि जो सरप्लस होता था वो स्टेट अप्रोप्रिएट कर लेती थी। इससे क्या होता था कि जो कई सारी विलेजेस कम्युनिटीज जो हैं वो ऑटोनमस और इगैलिटेरियन यानी कि इक्वल होते थे सारी विलेज कम्युनिटीज़। और इम्पीरियल कोर्ट उनकी ऑटोनॉमी तब तक मानती थी जब तक कि उनको इम्पीरियल कोर्ट को सरप्लस मिल रहा है। तो लेकिन इसमें भी जो असली बात है वो भी कार्ल मार्क्स चूक गए, क्योंकि रूरल सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं थी, हर कोई वहाँ पर इक्वल स्टेटस का नहीं था। सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर की हायरार्की में थे बिग जमींदार्स, लास्ट में थे अनटचेबल्स, बीच में थे स्मॉल पीजेंट्स, बिग पीजेंट्स। नाउ इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। हालांकि बर्नियर ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह इंडिया को बैड दिखाए, लेकिन उसने ये कहा कि आर्टिशंस जो हैं इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि सारे प्रॉफिट स्टेट अप्रोप्रिएट कर लेती है, तो फिर वो चाहते ही नहीं इम्प्रूव करने का, उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। इसी वजह से जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो सब कुछ डिक्लाइन पे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा कि वर्ल्ड का प्रीशियस मेटल जो है इंडिया में जाता है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरीज एक्सपोर्ट होती हैं उसके अगेंस्ट वो गोल्ड और सिल्वर देते हैं, और उन्होंने लेते हैं गोल्ड और सिल्वर ले लेते हैं और मैन्युफैक्चरीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो मतलब वर्ल्ड का प्रीशियस मटेरियल मेटल जो है गोल्ड सिल्वर वो इंडिया में आ रहा है। और प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। एक और चीज़ जो कि है वो है ये है कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टाउन्स में रहती थी। ये इंडिया के जो पॉपुलेशन, ये जो वेस्टर्न यूरोप है उसके कंपैरिजन में बहुत हायर थी। बर्नियर ने मुगल सिटीज़ को कैंप टाउन्स कहा कि जब इम्पीरियल कोर्ट आता था तो ये सिटीज़ बन जाती थी, जब वो इम्पीरियल कोर्ट वहाँ से चला जाता था तो वो सिटीज़ जो हैं वो डिक्लाइन हो जाती थी। उसने कहा कि कोई सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं थी इन सिटीज़ की और सिर्फ ये इम्पीरियल पैट्रोनेज पर ही डिपेंडेंट थी। देन इस केस में भी, सिटीज़ के केस में भी बर्नियर ने एक ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर बताई, क्योंकि हमारे पास हर तरह के टाउन्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर टाउन, सेक्रेट सेंटर, पिलग्रिमेज टाउन्स एट्सेट्रा। कई मर्चेंट्स के अलावा कई सारे अदर ग्रुप्स इंक्लूडेड थे, फिजिशियन, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस एंड कैलीग्राफर्स। नाउ इज विमेन्स स्लेव्स एंड सती एंड लेबरर्स। अब हम देखेंगे इन सब की उस वक्त की जो सिचुएशन थी। कभी कभार ऐसा होता था कि जो कि इनइक्वालिटी है, जो कि अन्याय है, उसको नेचुरली मान लिया जाता था। जैसे कि जो स्लेव्स हैं वो ओपनली सोल्ड किए जाते थे मार्केट में। इबन बतूता के अकाउंट से लगता है कि स्लेव्स में कुछ डिफरेंसिएशन था। फीमेल स्लेव्स कुछ ऐसी थीं जो कि म्यूजिक और डांस में एक्सपोर्ट थीं, कुछ सुल्तान ने एम्प्लॉय कर रखी थी ताकि वो नोबल्स पर नज़र रखें, डोमेस्टिक लेबर के लिए भी यूज़ होते थे, कुछ लोग डोलियाँ उठाते थे, और स्लेव्स का प्राइस जो कि पर्टिकुलरली फीमेल लेबर जो कि डोमेस्टिक लेबर के लिए होती थी उनके यहाँ लो होता था। यूरोपियन ट्रेवलर्स ने सती प्रथा को बहुत क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर एक छोटा सा सोर्स है, इसमें बर्नियर ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है इंडिया को, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक 12 साल, मुश्किल से 12 साल की एक लड़की को फोर्सफुली टाई किया गया ताकि उसको जलाया जाए, और लड़कियों को ऐसे फोर्सफुली जला दिया जाता था, छोटी लड़कियों को स्पेशली। वो उन्हें बहुत गंदा लगा, वो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए,
ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि यूरोपियन ट्रेवलर्स हाईलाइट करते थे कि कितना डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में। कुछ विमेन की मजबू कुछ विमेन चीयरफुली एक्सेप्ट कर देती है सती प्रथा को, लेकिन कुछ को मजबूरी होती है एक्सेप्ट करने की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विमेन की लाइफ इसके अलावा भी थी। वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, और मर्चेंट कम्युनिटीज़ की विमेन जो थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो सिर्फ वो प्राइवेट स्पेसेस तक कन्फाइंड नहीं थी। सो दिस वॉज आवर एंड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।